हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए सुन मेरे दिल का एपिसोड 11। कितना हमने वेट किया इस एपिसोड के लिए। मतलब जो लास्ट एपिसोड था जहाँ पे बिलाल ने सदफ को बोला था और उसने ये भी बताया कि उसके डोनर का मैच मिल गया है, जो कि हमें लग रहा है कि बिलाल ही, क्योंकि बिलाल ने उसको बोला सदफ को कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। ये सुन के तो मुझे बहुत ही मतलब वो लग रहा था कि प्लीज उसको अपने साथ ले जाओ, कुछ और अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। देखते हैं कि क्या कुछ खास है इसके बीच में, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आने वाले एपिसोड डेफिनेटली बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जो अब एपिसोड है उनके अंदर बिलाल और सदफ की मुलाकात होती है, रोज उनकी बातचीत होती है। और कहीं ना कहीं सदफ इस बात को रियलाइज कर रही है कि जैसा वो बिलाल के बारे में सोचती थी, उसकी जो दिमाग में चीजें चलती थी, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। और बिलाल इस तरीके से उनकी फैमिली के लिए आगे आ रहा है, मतलब हर चीज वो देख रहा है कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। तो ये देख कर ना आई थिंक सारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड नंबर 11 में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ तो मुझे आपके अब्बा का टोकना याद आ जाता है। हाँ, मेरी बेटी को डिस्कस मत पीते हुए कीजिए। मेरी बेटी को डिस्कस मत कीजिए। मुझे उनका कहना बुरा नहीं लगा, क्योंकि सदफ एकदम एम्बैरेस हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। उनकी इस बात से मैंने सीखा कि लड़कियों में ज्यादा लड़कियां ऐसी होती हैं। भाई साहब ट्रस्ट मी, मैं जाऊंगा आपके भाई को लेकर। जब वो लौट कर आएगा तो उसके बुखार से डर नहीं लगेगा। वाओ, मुझे अपनी नियत पर इत्तेबार ज्यादा है। क्रॉस मैचिंग हो गई, ये डॉक्टर दे दो ना। नो, क्योंकि वो मैं बात नहीं करेगा, बताना नहीं चाहता कि उसने किसी की मदद की है। आए, पक्का बिलाल है, पक्का, नो डाउट। ऐसे आदमी से पैसों की बात करोगी तो वो हैरत से आपकी शक्ल देखेगा। यार बता दो ना कि मैं ही डोनर हूँ, और इज्जत बढ़ जाएगी इसकी। सच में मैं और अम्मी जब तक जिएंगे उनको दुआएं देंगे, उसके लिए दुआ करते रहेंगे। ओह माय गॉड, और क्या चाहिए। अगर जावेद ठीक हो गया तो दुआएं मिलेंगी उसको। सदफ तो समझ क्यों नहीं पा रही है कि हाँ। बिलाल है, इट्स नॉट क्लियर क्लियर बोल रहा है वो, उसकी आंखें तो देखो। मंडे रात 3 बजे की फ्लाइट, सावियार को लेके एयरपोर्ट पहुंच जाइए। उसे ये सब कुछ सपना सा लग रहा है। हाँ, मतलब 4 दिन पहले तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना, जब खुदा आपकी मदद के लिए आए ना, तो वो किसी भी रूप में आ सकता है। यहाँ बिलाल के रूप में आए। सबको खटकता है इसको बिलाल के ऑफिस में जाना। हाँ, क्योंकि उसे मालूम है अमार उसे पूछेगा कि आज क्या हुआ, ये क्यों गई थी। हाँ, ये अमार ऐसे क्यों बैठा है। मोहब्बत के लिए अगर सदफ जरूरी है तो अमार ने जहर तो खा लिया है। सर उठाओ, कि सदफ ख्वाब की तरह थी और तुम्हारे जागते टूट गया वो ख्वाब। ओ आई एम सो रॉन्ग। अमार प्लीज गेट अप। भैया भाई उसने सच में कुछ खा लिया। यार वो सच कहता था कि वो उसको सच्ची मोहब्बत करता है। हाँ, रोज कहता था मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ कर लूंगा। प्लीज इसको बचा लो, आई डोंट वांट कि अब ऐसी कोई न्यूज आए कि उसको कुछ हो गया। प्लीज प्लीज फाइन नाउ। ओह थैंक गॉड, भाई सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई थी। वैसे सच में यार क्या हुआ था। मैं उनकी कॉलीग हूँ, मरने के लिए आजकल नींद की गोलियां कौन खाता है। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। लड़की का चक्कर है साहब। इज ही ऑलराइट। ही इज फाइन नाउ। नींद की गोलियां खाई है उसने। मेरी तरफ से फूल दीजिए उसको। आस्क हिम टू मीट मी व्हेन ही इज बैक। ये अपने सारे एम्प्लॉइज कैसे ध्यान रखते हैं। बिलाल को तो कुछ आईडिया ही नहीं है कि हाँ। ये सब अमार और सदफ के बीच में कुछ चल रहा था। क्या हो रहा है, सही बात है। ओह गॉड, बट स्टिल ही इज सो कंसर्न्ड कि क्यों उसने ऐसे करा। आज ये कितनी सुंदर लग रही है। कितने दिनों बाद इसने वैसे बाल खोले। हाँ, मैं उसकी नीयत पर ईमान ले आई हूँ। और बिलाल यही चाहता था कि कम से कम सदफ हाँ। उस पर ट्रस्ट करे। यार वो कुछ नहीं होने दूंगी, फिर भी डर जाती थी। पर अब मुझे बिलाल सर पर यकीन है। और जब उसने कहा, अच्छा उसने, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। अब ये लोग क्यों इतने परेशान हैं?
अम्मी आई थिंक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंसर्न है, सदफ को लेकर। बिलाल और सदफ अभी भी डर लग रहा है। अब मैं तुमसे डर रही हूँ। उन्हें लग रहा है ये शायद जरूरत से ज्यादा उस पर विश्वास कर रही है। हाँ, क्योंकि उनकी माइंड में बिलाल की एक अलग इमेज है। हाँ, वो सेम जैसे पहले सदफ की थी वही वाली इमेज है। ओके, अभी उसको बताएगी। अरे हमशा, सरप्राइज है पर तुम्हारे लिए, पर प्लेजेंट नहीं है बिल्कुल। लगता है तुम भी हैरान होकर आई हो, और पूछो इससे हम सब हैरान क्यों हैं। अच्छा, सब लोग एक ही बात सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है। उसने नींद की गोलियां खा ली, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर बच गया। Come on यार, he's so serious. इसी तरह करता रहा तो मर जाएगा एक दिन। वो कोशिश नहीं करता, मरने की एक्टिंग करता। उसको मार के मानेगी। एक बार मर के दिखा। सदफ तो जैसे उससे नफरत करने लग गई। मर के? हाँ। अब तो मेरे साथ चलो और ठीक इसी लहजे में ये जवाब उसके मुंह पे दे मारो। Don't you think it's enough? Okay, ठीक है, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। वो माँ है ना, वो बार बार यही सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटे को बचाते हुए जाते मैं अपनी बेटी को खो दूँ। हाँ, वो बहुत परेशान है, वो नहीं समझ पा रही है कि क्या चल रहा है। हाँ। सदफ कैसे बदल गई एकदम से। वो दरअसल बिलाल से मिली भी नहीं है, इंटरेक्ट भी नहीं किया, तो उनको नहीं पता किसको क्या हुआ अब। अच्छा, ये तुमसे आज कुछ कहने आई है, बट लिसन केयरफुली। ओ बॉय, हालत तुम देखो। मैं तो देखती रहती हूँ। चलो जो तुम कहने आई हो कहो और जाओ। कह के दिखाओ, आई वांट टू विटनेस इट। प्लीज, कभी तुम्हारे ऑफिस आने पे तड़पता है, कभी जाने पे। पर वो झूठे प्यार का नाटक भी तो नहीं कर सकती ना उसके साथ। अब्दुल्ला जैसे आदमी की लॉन्डी बन के बैठी हो। ओह माय गॉड, इसीलिए मर रहा है वो। सदफ सच बता दे कि उसके भाई को प्रॉब्लम है और जिसकी हेल्प मिल रही है उसे। इस हाल में मैं कुछ नहीं कहूंगी उसे। हमशा सबके लिए परेशान होती है। इस हाल में जो वो कहो वो कह दो। मुंह क्या देख रही हो, मैं तो रोज से तिल तिल मरते देखती हूँ। सदफ कितना फंस गई है। हमशा ने कितना दिल से ले लिया अमार की इस कंडीशन को। हाँ, मुझे लगता है हमशा प्यार तो नहीं करती अमार को। हाँ, ये तो सच में आज ऐसा लगा। ये शराब का ग्लास वॉश बेसन में उलट दीजिए, यहाँ से शराब की सारी बोतलें उठाइए और गटर में फेंक दीजिए। आज से मैं नहीं पीऊंगा। वेरी गुड बिलाल। वाओ, हम ऐसा ही चाहते थे। रात को कुछ देर में ही चली गई थी। जाते हुए मिलकर भी निकल। तुम भी तो जाते हुए मिलकर नहीं जा रहे थे, मर रहे थे ना तुम, तो इसका मतलब जा रहे थे ना पार्टनर। बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में आता जाता देखता हूँ तो शर्म से मर जाता हूँ। मैं बिलाल अब्दुल्ला की वजह से परेशान हूँ। शकी तो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो तुम। जिस बात को मैं भी समझ नहीं पाई उसे तुम कैसे समझ सकते थे। मुझसे मोहब्बत नहीं करती, यही ना। मरने की कोशिश में जिंदा हो गए हो तो क्या मतलब? कि शायद जो सदफ है वो इमोशनली एक तरीके से अटैच नहीं हुई, उसे कहीं ना कहीं ये लगा है कि ये वाकई में इतना प्यार करता है क्या मुझसे। कह तो यार, ये सोच के सदफ कुछ गलत फैसला ना ले इसके साथ कि उसको बोल दे झूठा झूठा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये तो ऐसे हुआ जैसे इन दोनों की लव स्टोरी हमशा ने जबरदस्ती जुड़वा ली। बिलाल का कॉल है, उसे एयरपोर्ट भी जाना था। वो ऑलरेडी इतनी परेशान है। सुबह की सीट्स मिल रही थी तो मैंने ओके बोल दिया। पाकिस्तान, आप जावियर को छोड़ने एयरपोर्ट आओगी या मैं गाड़ी भिजवा दूं? मैं और मम्मी उसे एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे। सब ठीक है? इज जावियर ऑलराइट? मुझे ऐसा लग रहा है बिलाल के वापस आने तक ये कुछ डिसीजन ले लेगी। प्लीज नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बस ऐसा लग रहा है। हाँ, हमने वो एसटी में भी देखा था कि ये बिलाल जो है वो सदफ को डोली में बिठाता है या उसे डोली से उतार रहा होता है। हम आई थिंक इस क्लाइमेक्स के लिए अभी तैयार नहीं है। नहीं है? हाँ, सच में इतना कुछ हो चुका है कि अभी ऐसा नहीं चाहते हम। ओके, सो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है। नहीं नहीं, अच्छा अभी आए हैं, अभी वो आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। हाँ, तभी मुझे लगा कि अम्मी का रिएक्शन नहीं दिखाया। If I'm not wrong, दोनों ग्रीन में है ना? बिलाल भी ग्रीन में और सदफ भी ग्रीन में। यार,
फिलहाल कितना हैंडसम लग रहा है। जरूर हाँ, सच में जो भी वाहज के फैंस होंगे आई थिंक उनको ये लुक बहुत पसंद आई होगी। अमार भी आया, इससे कैसे मालूम? और उसने बोला गेट वेल सून, कुछ तो पंगा हुआ है बीच में। मुझे लगता है कि सदफ ने इसे कॉल की होगी और ये सब बता दिया, क्योंकि अमार कैसे यहाँ आ सकता था। अरे आज का एपिसोड कितना इंटरेस्टिंग था यार, मतलब इतने सारे सरप्राइजेस। और स्टार्ट हुआ जब बिलाल और सदफ की बातों से, जब वहां ना जहां हमने छोड़ा था वो लोग बात कर रहे थे, बिलाल ने उसको कितना कंसोल करने की कोशिश करी, इतना कुछ सच सच बता दिया, पर तब भी सदफ समझी नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब हमें समझ में आ गया, सदफ को समझ में नहीं आया। और उसके बाद जैसे ही वो अमार जो है वो गोलियां खा लेता है, पहले तो मुझे एक बार को लगा कि अमार गया, मतलब वो इतनी बार तो बोल चुका है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे लगा अभी मर ही गया, पर थैंक गॉड कि वो बच गया। पर जो मुझे लग रहा है इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गलत, मतलब गलत सीन चल रहा है, क्योंकि वो कैसे आ गया एयरपोर्ट पे और वो कैसे बोल रहा है उसको कि क्या कहते हैं गेट वेल सून। उसके मन में एक दोबारा से एक होप मुझे लगता है सदफ ने जगाई है, जो कि नहीं होना चाहिए। पर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार था आज का एपिसोड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ना आज के एपिसोड से हमशा का रोल समझ नहीं आया, पहले तो वो इतना रोई, इतना इमोशनल, और हमें ऐसा लगा कि शायद इसका कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा अमार के साथ, जो वो इतना कंसर्न है उसे लेकर। लेकिन जैसे ही सडनली उसने उसे बोला कि मरते मरते ना तुम बच गए या तुम जी गए समथिंग कुछ, उसने ऐसे डायलॉग सा बोला, तो हमें सडनली एक चीज क्लिक हुई कि कहीं ये तो नहीं जबरदस्ती जो है सदफ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि देख वो तेरी वजह से मर रहा है, और उसने जबरदस्ती शायद कुछ हाँ या ना कोई तो जवाब उसने दिया है उसे अमार को, तभी अमार यहाँ पर आया। मतलब आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।